Yes, students, French Revolution chapter, important date for this chapter, as you know, 14 July 1789, when Bastille Palace was attacked by the people. Okay? Then, why people they attacked on this palace? Because this palace was showing डेस्पोटिक पावर्स ऑफ किंग. डेस्पोटिक का मतलब होता है अनलिमिटेड, जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता. ठीक है, देन आप बच्चों को, सब बच्चों को पता होना चाहिए, लुई 16th व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, कौन से ईयर में? 1774. एंड उनकी डायनेस्टी का नाम क्या था? बॉर्बन, बॉर्बन डायनेस्टी. You have to remember for MCQ one mark questions. Then, what was the age of Louis 16th when he married Mary Antonio? 20 years. Unki age kitni thi? 20 years. He was not so experienced, not capable. Aur jab unki marriage hui aur jab wo king bane, at that time the treasury of France was empty. Why it was empty? Because Louis 16th se pehle इनके फादर और फोर फादर्स दे वर हेल्पिंग विच कॉन्टिनेंट? अमेरिका की 13 कॉलोनीज किसके अंडर थी? ब्रिटेन. सो फ्रांस और अमेरिका का कॉमन एनिमी कौन सा था? ब्रिटेन. एंड इस वॉर में या अमेरिका की हेल्प करने के कारण फ्रांस की ट्रेजरी में प्रॉपर जो था वो फाइनेंस नहीं था. दिस इज द रीजन at that time people of France they were not liking monarchy system. Unko lag raha tha ki jo monarchy system hai na bache, that system is not appropriate. Clear? Then Mary Antonio belong to which country? Kaun si? Austria. She was Austrian princess. Austrian princess. Austria se thi. To aapne bache jab bhi, आपने जब भी एमसीक्यूज के लिए वन मार्क क्वेश्चंस के लिए लर्न करना ना, पूरी प्रॉपर पैराग्राफ को पढ़ो. और क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है वो ऐसे आ सकते हैं. ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स दे आर लेट. मैं बच्चे आपका नाम अगर लूंगी ना, ठीक है, कल से अगर आप बच्चे लेट आएंगे ना, आई विल नॉट एंटर. ठीक है, देन इसके बाद फिर आपने बताना है. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द यूनिट ऑफ करेंसी? क्या थी यूनिट ऑफ करेंसी? लिब्रे. लिब्रे वाज द यूनिट ऑफ करेंसी. 1789 से पहले फ्रांस की करेंसी का नेम क्या था? लिब्रे. ठीक है, देन फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री एस्टेट्स. फर्स्ट एस्टेट कंसिस्ट ऑफ क्लर्जी, सेकंड एस्टेट कंसिस्ट ऑफ नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, फार्मर्स, आर्टिसंस, वर्कर्स. फिर हमने बताना है कि जो क्लर्जी का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लर्जी? क्लर्जी मींस चर्च पीपल हु वर्शिप इन द चर्च. फिर हमने बताना नोबिलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोबिलिटी? नोबल्स, किंग, नोबल्स एंड देयर फैमिली इज कॉल्ड नोबिलिटी. अब प्रॉब्लम क्या थी? टैक्सेशन सिस्टम जो था बच्चे वो अनजस्ट था. अनजस्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल नहीं था. Many kind of taxes were paid by third estate. कौन कौन से टैक्स पे करने पड़ते थे? टाइल, टाइल, इनडायरेक्ट टैक्स. अब इनको याद रखो. What was टाइड? टाइड was a religious tax paid by which estate? Third estate. Religious का मतलब है कि थर्ड स्टेट के लोगों को, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन होने के नाते उनको चर्च को कुछ पैसे देने पड़ते थे. ये कितना होता था? 1/10 उनके पूरे ईयर की इनकम का. 1/10, ठीक है, वो चर्च को देते थे. क्या हमारी कंट्री में ऐसा होता है? गवर्नमेंट हमसे जबरदस्ती कोई टैक्स लेती है कि आप हिंदू हो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, मुस्लिम हो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा? नो, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है बेटा? सेकुलर है. बट एट दैट टाइम people of third estate they had to pay
दिस काइंड ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। टाइल क्या था? डायरेक्ट टेक्स्ट, जो रिलीजियस नहीं था, इनकम के ऊपर देना पड़ता। सपोज उस टाइम पर में थर्ड स्टेट जो भी अर्न करते थे उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता था, दैट वाज कॉल्ड टाइल। टाइल, टाइल का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज मार्केट में परचेज करते हो ना, आपको पता नहीं है लेकिन इंक्लूडिंग होता है। एक बिस्किट का पैकेट भी आप लोगे ना, उस पर लिखा होगा इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग टैक्स। आपने 10 रुपीज का खरीदा लेकिन उसमें 1 रुपी आपने टैक्स पे किया, आपको नहीं पता। ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। वो कमोडिटी के प्राइस में ही ऐड किए जाते हैं। उस टाइम पीरियड में सॉल्ट, टोबैको, ये दो कमोडिटीज बहुत कॉस्टली थी क्योंकि इनपे थर्ड स्टेट को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सॉल्ट तो नेसेसिटी होता, टोबैको उस टाइम पीरियड में लोग यूज करते थे, इसीलिए उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट रेवेन्यू सबसे ज्यादा इससे अर्न कर रही। और किससे? फर्स्ट से, सेकंड से कि थर्ड स्टेट से? थर्ड स्टेट। ठीक है, तो ये सिस्टम जो था दैट वाज अनजस्ट सिस्टम। फिर आगे टाइम पीरियड आया सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होते हैं बच्चे? हाँ जी, किसी भी कंट्री में ना जो कॉमन पीपल होते हैं या पुअर पीपल हैं, एटलीस्ट राइट टू लाइफ का मतलब होता है बेसिक थिंग्स क्या होती हैं? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। जब किसी को ये तीनों में से कुछ भी ना मिले, इसका मतलब क्या है? सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि उसके जीने के लिए जो चाहिए वो भी नहीं उसको मिले। क्राइसिस व्हेन बेसिक थिंग्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर आर इन डेंजर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसको क्या बोलते थे? सबसिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, आगे आ जाओ बच्चे, बुक्स, बुक्स के नेम। अब आपको बुक्स के नेम अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। हमारी जो है, अगर इंडिया की बात की जाए तो टेल मी एनी टू नेम्स ऑफ राइटर्स जिनकी बुक्स को पढ़ के हमें इंडिया के बारे में या नेशनलिज्म के बारे में या 1947 से पहले उस टाइम का पता लगता। मैं आपको एक क्लू देती हूँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपको पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रोट अ बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे, अगर हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है ना, तो दैट बुक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमें उस टाइम के बारे में बताती है। एक और बुक है अर्थशास्त्र, दैट वॉज रिटन बाय, ये सिक्स क्लास में पढ़ा होगा आपने, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो। हाँ जी, उसके सीरियल भी बहुत फेमस हुआ था। ओके, किंग अशोका के भी गुरु थे। हाँ, सी से नाम है, तितिक्षा। हाँ जी, हैंड रेज हुआ था बच्चे आपका भी। हाँ जी, चाणक्य, वेरी गुड। ठीक है, यस। तो बच्चे, अगर आपने अपनी कंट्री के बारे में जानना, मैंने आपको दो बुक्स बताई हैं राइटर्स के नाम, कौटिल्य, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो हमें ऐसे ही पता होना चाहिए कि फ्रांस में कौन कौन से, यूरोप में कौन कौन से ऐसे फिलोसफर्स थे जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, और उन बुक्स को पढ़ के लोगों के मन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो बुक्स के नेम अच्छी तरह से लर्न करो। जॉन लॉक, ही रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक, ही रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक, ही रोट टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। आपको बुक का नेम भी पता है, आपको ऑथर का नेम भी पता है, लेकिन अब उनकी आइडियोलॉजी को 1 मार्क में आपको पता होना चाहिए। ही रिफ्यूटेड, रिफ्यूटेड का मतलब होता है अपोज। किसको अपोज किया? थ्योरी ऑफ डिवाइन
राइट्स। हां जी, क्या थी बच्चे? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स। जिस टाइम पीरियड में ये बुक लिखी गई उस टाइम पीरियड में लोग जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे ना, उनका ये मानना था कि जो किंग होते हैं उनको किंग बनने का राइट गॉड ने दिया, ठीक है। यानी कि कॉमन पीपल कभी भी किंग या नॉबल्स नहीं बन सकते। इसको बोलते थे थ्योरी ऑफ डिवाइन। डिवाइन का मतलब गॉड हैज गिवन द राइट कि जिसकी फैमिली है बर्बन डायनेस्टी है उनकी फैमिली में से किंग होगा, किसी और फैमिली से किंग नहीं हो सकता। तो ऐसे रिलीजियस लोगों को जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ प्ले करके इस टाइम में लोगों को सप्रेस किया जाता था। बट जॉन लॉक ही अपोज दिस थ्योरी। उसने कहा कि जो स्पेशल राइट्स हैं प्रिविलेजेस वो क्या हो जाने चाहिए? एबॉलिश, खत्म हो जाने चाहिए। तो ये थी जॉन लॉक की आइडियोलॉजी। सेकंड बुक आपको पता है स्पिरिट ऑफ लॉज। हु रोट? मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा दैट पावर्स या ऑर्गन्स शुड बी डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये वाला पॉइंट कि पहले वाला मॉन्टेस्क्यू। ओके, मॉन्टेस्क्यू जो थे फिलोसोफर, इन्होंने बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज। अकॉर्डिंग टू दिस बुक ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। लेजिस्लेचर का काम हो लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम होना चाहिए इम्प्लीमेंट, और जुडिशरी का काम क्या होना चाहिए? पनिश और इंटरप्रेट। लेकिन क्या 1789 से पहले ऐसा कोई सिस्टम था? किंग ही लेजिस्लेचर था, वो लॉ बनाता था, किंग ही उसको इंप्लीमेंट करता था, और किंग ही क्या था? जुडिशरी। लेकिन स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने इस चीज को अपोज किया और उन्होंने ये कहा कि अर्शिता आप लेट हो जाए, यस, दैट पावर्स और ऑर्गन शुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। गवर्नमेंट का एक पार्ट जो है वो लॉ बनाए, दूसरा पार्ट उसको इंप्लीमेंट करे, और तीसरा पार्ट जो लोग वॉयलेट करते हैं उनको पनिश किया जाए। सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि पावर्स को क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर सिंगल हैंड में ना हो। और इसीलिए बाद में आपको पता है अब हमारी कंट्री में यही सिस्टम है, एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में ये सिस्टम है। कैसे? और ये सिस्टम कौन सी बुक से मिला है? स्पिरिट ऑफ लॉज। अगर इंडिया की बात करें तो लेजिस्लेटिव क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा। इंप्लीमेंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और जुडिशरी क्या है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बुक रूसो। रूसो है, उन्होंने कौन सी बुक लिखी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का? गवर्नमेंट शुड बी, या जो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, इट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट। किसके बीच में होना चाहिए? पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। यस, अकॉर्डिंग टू रूसो गवर्नमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। और इसके लिए उसने क्या कहा? कंट्री में, बच्चे आवाज आ रही है आपकी बहुत, इसके लिए कंट्री में क्या होने चाहिए? इलेक्शंस। इलेक्शंस का कंसेप्ट दिया रूसो ने, और ये कहा कि जब इलेक्शंस में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे फॉर 5 years, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट में भी 1 year, 2 year, 3, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो डील क्या हो जाएगी? खत्म। सेम रूसो ने ये कहा कि दैट गवर्नमेंट शुड बी,
contract between people and representatives. People should be given power to change their representatives after a certain time. ताकि representatives जो हैं वो क्या रहे, क्या रहे, answerable. क्या लुई 16 answerable था? No. तो king को rulers को answerable बनाने के लिए he suggested social contract that election should be there and people should be given right to vote so that representatives they can be changed after regular intervals. Clear? तो ये books और उनकी ideologies name. अब आपको philosophers में क्या नाम याद करना है? एक तो आपने name याद करना है, फिर आपने बुक याद करनी है, फिर आपने आइडियोलॉजी, वन वन लाइन में आपने उनकी आइडियोलॉजी याद करनी है. नेक्स्ट एक और थे वोल्टेयर. ही अपोज इंटरफेरेंस ऑफ चर्च. वोल्टेयर की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं, आप उनकी आइडियोलॉजी याद रखो. हांजी ब्रिजेश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ चर्च? क्यों उसने इसको अपोज किया? क्या इंटरफेरेंस थी उस टाइम चर्च की? क्लर्जी, दे कुड इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल मैटर्स. यानी कि उस टाइम पर में किंग जो थे वो क्लर्जी मैन से पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर जो है वो एडवाइस लेते थे. ठीक है, तो चर्च की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी, तो वोल्टेयर ने उस टाइम पर में चर्च की इंटरफेरेंस को अपोज किया. ठीक है, प्रतीक्षा. हाँ जी बच्चे, यस, कीप योर माइक ऑन. मैम मैंने पूछ, मैम थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स किसने लिखी थी? हाँ जी, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स. अच्छा, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट इज नॉट अ नेम ऑफ अ बुक, दैट इज अ फिलोसफी ऑफ जॉन लॉक. ही हैज रिटन द दिस फिलोसफी इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में उसने थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट को अपोज किया है बच्चे. इट इज क्लियर? तो दैट इज अ नेम, नॉट अ बुक. ठीक है, वो बुक नहीं है. थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट मैंने आपको समझाया कि उस टाइम पीरियड में किंग जो था, चर्च पीपल कहते थे कि किंग को किंग बनने का राइट गॉड ने दिया ताकि लोग जो है किंग से डरे और गॉड और किंग को बराबर माने. लेकिन आपको पता है जीसस क्राइस्ट जो थे ना, अल्टीमेटली उनको क्रूसीफाई क्यों किया गया था? क्योंकि तो उन्होंने भी चर्च, उस टाइम पीरियड में जो चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको अपोज किया, एंड जिसके कारण उनको सोसाइटी में रेवोल्यूशनरी डिक्लेयर कर दिया गया एंड ही वॉज क्रूसीफाइड. क्योंकि उन्होंने किंग को चैलेंज किया था, किंग की पावर्स को चैलेंज किया. क्लियर? इट इज क्लियर? यस. तो दैट वाज ऑल अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम. इसमें मैंने आपको बताया सारा हमारी उस टाइम पीरियड में, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको सोसाइटी कैसी थी. ठीक है, सोसाइटी के बारे में सारा क्लियर हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ. व्हाट डू यू मीन बाय एस्टेट जर्नल? एस्टेट जर्नल क्या था बच्चे? What do you mean by estate journal? Estate journal, बच्चे एक political body थी. Estate journal was a political body of three estates. First, second and third estate. और लुई 16 की फैमिली में एस्टेट जर्नल की मीटिंग्स बुलाई जाती थी. लास्ट टाइम ये मीटिंग कब बुलाई गई? 1614 में. इस मीटिंग का एजेंडा क्या होता था? टू लेवी न्यू टैक्स, यानी कि टाइड, टाइल, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. ये कब फाइनल किए होंगे? लास्ट टाइम कब फाइनल किए होंगे? 1614. उसके बाद जब लुई 16 किंग बना, उसको ये लगा कि उसकी ट्रेजरी में मनी की कमी है. तो मनी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? बाय लेविंग मोर टैक्सेस. सो दैट्स व्हाई इन 1789
मीटिंग कॉल्ड मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल. इजी मीन्स एस्टेट जर्नल. किंग ने डिसाइड किया कि इस मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट, कितने लोग होंगे. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड की गई 300 प्लस 300 प्लस 600. 300 फ्रॉम फर्स्ट एस्टेट, 300 फ्रॉम, 600 फ्रॉम थर्ड एस्टेट. वोटिंग क्राइटेरिया क्या था? ईच एस्टेट हैड वन. और अगर आप खुद सोचो कि जो भी नए टैक्स लगाता लुई 16, तो अगर मेजोरिटी की बात की जाती तो मेजोरिटी अगर थर्ड स्टेट उसको ना भी मानती, मेजोरिटी क्या होती? 2:1. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि प्रपोजल पास हो जाता और थर्ड स्टेट के लोगों को और नए टैक्स और देने पड़ते. बट दिस टाइम द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट दे वर फुली प्रिपेयर्ड बिकॉज दे हैव रेड सो मेनी बुक्स एंड दे वॉन्टेड टू ब्रिंग रेवोल्यूशनरी आइडियाज. They wanted to oppose the wrong policies of king. So they demanded voting kitni honi chahiye. Each person should be given one vote. So ab dekho kitna hota 300 vote plus 300 plus 600. Ratio kya hoti? 1:1. ठीक है, रेशो 1:1 होती. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रपोजल पास ना होता, मेजोरिटी ना होती. एंड व्हेन अच्छा आवाज नहीं है ब्रिजेश, आपकी बहुत आवाज आ रही है, सीट चेंज करो. नो नीड टू टॉक व्हाइल आई एम टीचिंग. यस, सो किंग डिसाइडेड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल. रिप्रेजेंटेटिव्स दे वर इनवाइटेड इन द पैलेस ऑफ वर्साय. Palace of Versailles, hall of this palace was decorated and you know sitting arrangement was only for the people of first and second estate, and these people they were not provided chairs. And 600 jo log the wo third estate ke logon ke representatives. When the people came in the palace they were holding 40,000 letters complaints. उनको ये था कि जब किंग उनके साथ कोई उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगा तो वो अपनी प्रॉब्लम्स किंग के सामने रखेंगे और जो पुराने वाले टैक्सेस हैं उनको हटा दिया जाएगा. बट ऐसा नहीं हुआ. और सबसे पहले प्रपोजल जो है थर्ड 600 में से जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने प्रपोजल जो है उन्होंने ये अपना प्रपोजल रखा दैट ईच पर्सन शुड बी गिवन वन वोट. बट किंग रिजेक्टेड द proposal to change the voting criteria. So then these 600 people they walk out. Walk out ka matlab kya hota hai? Pehle se bahar aata na, pehle se bahar aaye. Pehle se bahar kya tha? Ek tennis court. They gathered there, wahan pe ikatthe hue aur inke sath aur bhi third estate ke bahut se logon ne inko join kiya wahan pe tennis court. और 20 जून को इन्होंने ऑथ ली टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कंट्री. ऑथ टेनिस कोर्ट ऑथ. ऑथ का मतलब क्या होता है? जस्ट एक प्लेज लेना कि जब तक हम अपनी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे तब तक हमारे लोग यहीं पे आएंगे हर रोज और वहां पे बैठ के हम अपनी कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे जिसमें कि थर्ड स्टेट को भी प्रॉपर क्या मिले, रिप्रेजेंटेशन. This was meeting of estate journal. क्या बोलते हैं इसको? मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल. ठीक है, लेकिन जब आपको पता है जब मीटिंग ऑफ एस्टेट जर्नल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई और ये जो लोग थे जिन्होंने ऑथ ली थी इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? दे डिक्लेयर देमसेल्व एज नेशनल असेंबली. इस नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट तो था ही लेकिन साथ ही फर्स्ट और सेकंड स्टेट के भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे. कौन कौन? मिराबियू एंड एबेसिए. दे बिलोंग टू फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट
लेकिन फिर भी इनके मन में थर्ड एस्टेट के लिए क्या था, सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि वो चाहते थे कि थर्ड एस्टेट को जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उससे इनको फ्री करवाया जाए। एंड एबीसीए ने एक पैम्फलेट भी लिखा था जिसका नाम क्या है, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, नेम द पैम्फलेट रिटन बाय एबीसीए, दैट इज क्या है, व्हाट इज थर्ड एस्टेट, क्लियर। यस, देन नेशनल असेंबली जो थी जिस टाइम पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, दूसरी तरफ विलेज एरियाज में क्या हो रहा था, मैनी फार्मर्स दे अटैक्ड ऑन द बिल्डिंग्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स, रिच लैंडलॉर्ड्स। क्यों क्यों अटैक किया रिच लैंडलॉर्ड्स की बिल्डिंग्स में, क्योंकि वो क्या करते थे, फूड फूड को स्टोर करके रखते थे, और मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एंड प्राइजेस ऑफ गुड्स वर इंक्रीजिंग एंड सब्सिस्टेंस क्राइसिस के कारण मैनी पीपल दे डाइड ऑफ स्टारवेशन। इवन इन द सिटी ऑल्सो मैनी पीपल वर फेड अप फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ द किंग। सो 14 July 1789 मैनी पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट दे फॉर्म themselves as people militia, उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई, बेस्टाइल फोर्ट को डिमोलिश कर दिया गया और बेस्टाइल में जितने भी ओपोनेंट्स, जितने भी थर्ड एस्टेट के लोगों को प्रिजनर्स बना के रखा हुआ था उनको रिलीज कर लिया और पूरा का पूरा पैलेस जो है वो क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय। दिस वॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कौन सी डेट को हुआ था, 14 July 1789। अब किंग को ये डर था कि अगर नेशनल असेंबली यानी कि जो लोग चाहते हैं उनको वो नहीं मिलेगा तो लोग कहीं पैलेस और वर्साई को भी अटैक ना कर दें, तो इसलिए किंग ने क्या किया, ही गेव नेशनल असेंबली एज लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब है काइंड ऑफ पार्लियामेंट, कि नेशनल असेंबली को लीगल स्टेटस दे दिया गया और नेशनल असेंबली को ये ड्यूटी दे दी गई कि नेशनल असेंबली अब क्या बनाएगी कंट्री के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन। 1789 से 90 से 91 कितने इयर्स लगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, कितने इयर्स, टू, काउंट करो ना, 89 to 90 90 to 91 ऐसे काउंट करो। 1791 में फ्रांस को उसका नया कॉन्स्टिट्यूशन मिला और फ्रांस पहले क्या था, मोनार्की। 1791 में फ्रांस क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। 1789 पे सिर्फ मोनार्क था, मोनार्क सारे डिसीजन ले सकता था, लेकिन 1791 में फ्रांस को क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्क मोनार्क का मतलब किंग भी होगा। विद दिस हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में काफी जो है वो चेंजेस किए गए एंड पीपल वर वेरी हैप्पी। कौन कौन से चेंजेस किए गए वो लिखी, विच काइंड ऑफ चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड, आई विल डिस्कस टुमारो, ठीक है।